हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, 11वीं क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था व्यवस्था के विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आपको पता होगा कि आज़ादी से पूर्व में भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी और कैसा उसका स्वरूप था, किन किन दौर किन आयामों में से होकर गुजरी है, उन्हीं के पहलुओं पर, उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं और यही हमारा टॉपिक रहा है। तो अभी तक हम लोग ऑल इसमें पढ़ चुके थे, औद्योगिक में कितना बड़ा इसका प्रसार रहा है, क्या कुछ है इसको हम लोग आपका बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं। तो इन सभी को हमको देखने की आवश्यकता है और इसी पर हम लोग गौर करें। तो कल सबसे पहले हमें मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला जो आपका रेलवे ट्रैक था, उस रेलवे ट्रैक की हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे। क्लियर है? तो आपको देखा होगा, ये पहला ब्रिज है जो आपका पुल बनाया गया था 1854 में। लॉर्ड डलहौजी ने इसको बनाया था, आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे की, तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। तो चित्र ये आपको दिखाई दे रहा है, तो आप चित्र को समझ सकते हैं। अब आप थोड़ा सा अगर आप पीछे बढ़े, तो मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ा रहा था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। टॉपिक आपका बिल्कुल साफ था। टॉपिक में आपको पढ़ा था आधारिक संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं आपकी बात कर रहा था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, और बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कैसे हमने आपका ट्रांसपोर्ट की सुविधा को, आपकी कम्युनिकेशन की सुविधा को हमने आपका डेवलप किया है। तो मैंने इसमें कुछ आपके पोर्ट्स की बात की थी, रेलवेज की बात की मैंने आपको, जिसमें ट्रांसपोर्ट था आपका, खास कर जो आपका वाटर बॉडी वाला था उसमें बात की, और डाक संचार की बात की। और डाक संचार में देखिए, दो चीज मैंने आपको बताए थे, पता होना चाहिए आपको। पहले मैंने आपको इसमें बताया था कि जो आपकी व्यवस्था थी, इसमें एक तार चलता था। क्लियर है? बड़ा महंगा था, उसमें कॉस्टली था, हर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। एक पोस्ट थी, आप देखते हैं कि एक समय था कि जब आप मनी ऑर्डर आते थे, किसी की चिट्ठी पोस्ट के माध्यम से पहुंचती थी। लेकिन आज के समय में, आधुनिक दौर में, ये सारी चीजें आपकी शिफ्ट हो गई हैं। जब से आपकी मीडिया आई है, खास करके आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तब से संदेश का दौर आपका बदल चुका है। आज के समय को अगर आप लोग के समय में आप तुलनात्मक रूप से देखते हैं और अध्ययन करते हैं, और आपको पता है कि 1850 के दौर में ही रेलवेज का जो था भारत में सबसे पहले स्टार्टिंग आपको दिखाई देगी, और ये टाइम है आपका ब्रिटिश टाइम पीरियड के साथ। क्लियर है? ये सारी चीजें हैं जो इसमें आपको एक एक करके गौर करके आपको देखनी है और इन पर बात करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग गौर करते हैं। तो देखिए, सड़क, रेलवे के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया है। बेसिकली जो ब्रिटिश शासन है, जो अंग्रेज भारत में आए थे, उसी को हम लोग बोलते हैं औपनिवेशिक सिस्टम, यानी कि आपका कॉलेजियम सिस्टम। तो इस कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत क्या हुआ था, इंटरनल जो आपका ट्रेड है और उसके साथ जो आपका समुद्री, आपके जलमार्ग के माध्यम से होने वाला ट्रेड है, उसके डेवलपमेंट पर उन्होंने ध्यान दिया। आप देखेंगे बहुत सारे उन्होंने पोर्ट को आपका डेवलप किया है, बहुत सारे पोर्ट सिटी बताई है, अंदर आपके शहर के लिए रोड बनाई है। आपने देखा होगा ग्रांड ट्रंक रोड का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो भी इसी से संबंधित है। ठीक, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। कह रहे, जो भी काम किया गया ये बहुत आपका संतोषजनक नहीं था, ऐसा आप इनको कह सकते हैं, ऐसा आप इनको देख सकते हैं। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। कैसे सिद्ध हुए? अलाभकारी सिद्ध हुए। एक जगह है उड़ीसा की तटवर्तीय नहर, उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया वाला पार्ट है उसको भी मैं आपको बताया था, ये पूरा इसमें अच्छे से हम देख लिए। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले इसमें कोई डाउट रहा हो,
मुझसे पूछ लीजिए। हाँ चलिए, इसको महत्वपूर्ण रूप से आपका समझते हैं और इसमें जो एक-एक पहलू हैं उनको हम गौर करके इसमें तो आपका देखेंगे हम लोग। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको? क्लियर है? ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है और गौर करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे इसमें पूछ लूं मेरे प्यारे बच्चों कि आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण थे, तो आप मुझे समझा पाओगे? ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछूं कि देखिए आप पूरा अर्थव्यवस्था को पढ़े तो ब्रिटिश काल तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, तो सबसे पहले इसमें मुझे बताइए कि इस समय कृषि के पिछड़ापन का क्या कारण है, तो आपको कारण बताने हैं कि कृषि का जो पिछड़ापन है उसके क्या कारण है कि आपकी कृषि इस समय आपका पिछड़ गई थी। चलिए, कौन बच्चा बताएगा? तो सबसे पहले पता होना चाहिए इस समय एक व्यवस्था शुरू हुई थी, उसको कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और महलवाड़ी व्यवस्था। ने क्या किया था, आप देखेंगे ये कृषि के पिछड़ेपन में इसने बहुत बड़ा आपका रोल निभाया था। आप इस व्यवस्था की जगह आप इसको प्रथा लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, दूसरा आप ध्यान दीजिए, व्यवसायीकरण क्या हुआ था इस समय, कृषि का व्यवसायीकरण हो गया था और कृषि के व्यवसायीकरण से क्या हुआ था, ये सारी चीजें हुई। व्यवसायीकरण का दबाव और इसमें दबाव में एक खेती शुरू हुई जिसका नाम था नील। तो नील की खेती किसमें हुई थी, इसका, तो नील के साथ साथ आप देखेंगे कॉफी हो गया, चाय हो गया, रबर हो गया, ये आदि जो भी आपकी प्लांटेशन हुई थी ये किसके कारण हुई थी, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करने के लिए हुई थी, याद है? और इसमें देखिए एक पॉइंट और मिल जाएगा आपको, कह रहे हैं देश के विभाजन के कारण, देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल, पश्चिम बंगाल में आपका जूट मिल तथा पूर्वी पाकिस्तान यानी के वर्तमान का आपका बांग्लादेश में उत्पादक जो भूमि थी, भूमि
चली गई। कैसा हो गया? भूमि चली गई। अब क्या हो गया? जो हम पहले आपका निर्यात करते थे, अब क्या हो रहा है? उसकी जगह आयात हो रहा है। तो इससे आप देखेंगे, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे एग्रीकल्चर पर इफेक्ट तो पड़ी रहेगी। देख लिया? तो जमींदारी व्यवस्था ने आप देखेंगे कितना बड़ा इंपैक्ट दे रहा है। तो जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी प्रथा थी, दबाव प्रेशर था कि हम लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर में बढ़े। नील की, कॉफी की, चाय की, रबड़ का प्लांटेशन कराया गया। और इसी के साथ आप देखते हैं देश के विभाजन कारण जो आपके जूट, जितनी भी जूट मिल थी वो पश्चिम बंगाल चली गई सारी, बचा ही नहीं हमारे पास। अच्छी खासी फर्टिलाइज लैंड थी, जलोढ़ दोमट मिट्टी पूरी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान का जो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में चला गया और हम क्या करने लगे? निर्यात की जगह आयात करने लग गए थे। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि अविकसित औद्योगिक करण को हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है कि हमारे यहां अविकसित औद्योगिक था। आप मुझे बताइए क्या कारण है। तो इसी में हमारे यहां जो सबसे पहले वी औद्योगिकरण हुआ, क्या हुआ? वी औद्योगिकरण। ये हमको देखना, उसके क्या कारण थे? तो पहला पता होना चाहिए भारतीय हस्तकला का पतन प्रमुख कारण, ये इसका प्रमुख कारण था हस्तकला। और बेसी आप इसको ऐसे लिख लीजिए, हस्तकला उद्योग पतन इसका प्रमुख कारण। और दूसरा इसमें लिख लीजिए पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव। ठीक, भेदभावपूर्ण टैरिफ, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, अंग्रेज क्या कर रहे थे? टैक्स लगा रहे थे। ठीक, और अगला है, इसी में लिख देता हूं, सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित क्रियाशीलता, सीमित क्रिया
शीलता लिख लें आप, फिर आगे बढ़े। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला देखिए इसमें। ठीक विदेशी व्यापार की विशेषताएं देखना है, विदेशी व्यापार की विशेषताएं। तो पहला देखिए, कच्चा माल भारत का शुद्ध निर्यातक, कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक तथा भारत तैयार माल का आयात। विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार कैसा था? ब्रिटेन का एकाधिकार, भारत की संपत्ति का बही प्रवाह, भारत की संपत्ति का बही प्रवाह। देख ले, भारत जल्दी बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? प्रतिफल तत्कालीन जननांकी जननांकी दशाएं ऊंची, मृत्यु दर कितनी थी इस समय? मृत्यु दर ये आप ही बताएंगे अभी। उच्च शिशु मृत्यु दर, सामूहिक निरक्षरता, साक्षरता नहीं है बेटे बच्चों, निरक्षरता है, और निम्न जीवन
करती है ऐसा, ये आपको बताना है। और इसी में निम्न जीवन प्रत्याशा के साथ है, जन स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। आधारभूत संरचना की कमी, देखिए ये कितना बताया था मैंने, तो 45 हजार, और ये कितना था 238 या 218, तो 218 प्रति हजार। इसका मतलब भी मैं आपको समझा चुका हूं, और ये लगभग 84% और जीवन प्रत्याशा इसमें 32 वर्ष इसमें एवरेज थी। देख लीजिए कर लिया। चलिए किसी को डाउट है इतना, जितना हम लोग इसमें पढ़े हैं अभी तक, किसी को डाउट कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों से पूछ लीजिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप चैप्टर को रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई डाउट होता जरूर पूछिए। धन्यवाद।